विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया है, सबकी शिकायत है स्किन ड्राई हो रही है, खुश्क हो रही है। सर्दी से बचने के लिए धूप में बैठते हैं तो स्किन ब्लैक हो जाती है। बच्चे बड़े सबकी स्किन और लिप्स फट रहे हैं। तो जी बिल्कुल मत घबराइए, बहुत ही अच्छी रेमेडी मैं लेकर आ गई हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बहुत फ़ायदे में रहेंगे क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी टिप्स मैं बताती हूँ आपको 101% रिजल्ट वाली। तो जी मॉइस्चराइजिंग क्रीम हमें चाहिए है, हमें कोई भी आप ले सकते हैं, मेरे पास है निविया की। आप ज़रूरी नहीं है निविया की लें, कोई भी लें, लेकिन अगर ये ले लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। मॉइस्चराइजिंग क्रीम आपने यही लेनी है। मैं आपको ऐसी रेमेडी बता रही हूँ जिससे आपकी स्किन ब्लैक नहीं होगी। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि वैसलीन लगाने से हमारी स्किन या मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाने से हमारी स्किन ब्लैक हो जाती है, डल हो जाता है कलर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा जी। सर्दी स्टार्ट हो गई है तो मैं यही क्रीम बनाती हूँ और पूरे 3 महीने लगाती हूँ सर्दी में, ठीक है जी। आप ये क्रीम बना के रख लें, नवंबर से मार्च तक आप ये क्रीम लगाएं, हाथ पांव मुंह पे लगाएं, बच्चों को लगाएं, बड़े छोटे सब लगाएं, ठीक है जी, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हमने ले ली है क्रीम पूरी की पूरी, मैंने बड़े से बाउल में ऐड कर दी। उसके बाद हमें चाहिए है पिंक वाली वैसलीन लोशन चाहिए है। कोई भी लोशन ले लें, पॉन्ड्स का ले लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप ये ले लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम ये लोशन नहीं मिल रहा, ये लोशन हम अगर हमारे पास दूसरा है वो ऐड कर सकते हैं। ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन अगर यही चीज़ें आप जो मैं आपको बता रही हूँ यही रेमेडी बनाएंगे ना, तो जैसे रिज़ल्ट मुझे मिलते हैं वैसे ही आपको ये रिज़ल्ट मिलेंगे, स्किन आपकी ब्लैक नहीं होगी। इसीलिए आप कोशिश करें जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, आप यही मॉइस्चराइजिंग क्रीम और यही लोशन लें, वरना तो आप दूसरी भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। फिर हमें चाहिए है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमें लाजमी इसमें ऐड करनी है। हमने पूरी मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले ली, ठीक है, लोशन थी, लोशन मैंने आधी बोतल डाली है, पूरी नहीं, ठीक है जी। और जी एलोवेरा जेल है वो उसमें तकरीबन 4 चम्मच के बराबर, कितने 4 चम्मच ये आपने इसमें ऐड करना है। ये हमारे स्किन को ब्लैक भी नहीं होने देगी, हमारे जो ओपन पोर्स है ना, जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाने से ओपन हो जाते पोर्स, उनको ही क्लोज रखेगी, ओपन नहीं होने देगी, इसीलिए ये मैं इसमें ऐड करती हूँ, ठीक है जी। और ऑयल जो हो जाता है ना एक्स्ट्रा, बहुत थिंदा थिंदा चेहरा, चिकना चिकना लगता है, उसको भी कंट्रोल करेगी, ठीक है जी। हमने वैसलीन लेनी है कितनी, 1 चम्मच भर के, इससे ज़्यादा नहीं। आपने वैसलीन अच्छी वाली लेनी है, सस्ती वाली 20-25 की 30 की भी मिल जाती, छोटी सी डिब्बी, वो नहीं ऐड करनी, वो लोकल होती है, कि आपने यही ऐड करनी है, ठीक है जी। वैसलीन हमने 1 चम्मच भर के ऐड कर दी। और हमें लास्ट चीज़ जो चाहिए है इसमें एवियन के 400 mg कैप्सूल, ये आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे, ये आपने इसमें ऐड करने हैं। देखिए ख़त्म हो चुका है, तकरीबन 2 ही कैप्सूल रह गए। मैं इतना यूज़ करती हूँ बालों के लिए, स्किन के लिए, नेल्स के लिए, बहुत ही अच्छे होते हैं ये कैप्सूल्स। तो ये भी मुझे और पत्ता मंगवाना है मेडिकल स्टोर से, अभी मेरा बाहर जाना नहीं हो रहा, तो जी ये मैं ख़त्म हो गए हैं। और ये तो इसके बगैर तो ना मैं रह सकती हूँ ना मैं चल सकती हूँ, ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है जी। ये हमने इसमें 2 ऐड कर देने हैं, 2 मेरे पास थे और 2 ही हमने ऐड करने हैं। ये जो क्रीम है ना आप 2 महीने आराम से यूज़ कर सकते हैं, अगर बच्चे भी लगा रहे हैं, फैमिली के 3-4 मेंबर यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप ये 1 या 1.5 महीना इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना ये मेरी 2 महीने आराम से क्रीम चल जाती है। फिर मुझे पूरी सर्दियाँ कोई क्रीम मॉइस्चराइजिंग बाजारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस ये बना के रख लो और जी यूज़ करो। अच्छा, यूज़ करने का तरीका मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी, वीडियो आप मेरी पूरी वॉच कीजिए करें, तो क्योंकि मैं इसमें बहुत अच्छी अच्छी आपको ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें भी बताती हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा जी, ये अच्छी तरह ब्लेंड नहीं होती, जो उसमें हमने वैसलीन ऐड की है ना, ये सही से इसमें ब्लेंड नहीं होती, गुटलियाँ सी बन जाती हैं, बबल्स, ठीक है जी। तो जी अंडा फेंटने वाला है, मैंने इसको अच्छे से धो के ड्राई करके रख लिया था, इससे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, हमारी क्रीम जो है प्लफी सी हो जाएगी और बहुत सॉफ्ट, और ज़रा सी भी इसमें बबल्स नहीं बचेंगे, बिल्कुल मलाई की तरह हो जाएगी क्रीम। जब आप अपने फेस पर, हैंड्स पर लगाएंगे ना, तो बहुत ही ईजिली जज्ब हो जाएगी स्किन पे और बहुत ईजिली लग जाएगी। अच्छे से हमने 2 से 3 मिनट इसे फेंटना है। मैंने बहुत ऑफ कैमरा इसे बहुत 2 से 3 मिनट अच्छे से मैंने इसे ब्लेंड कर लिया था, क्रीम को मिक्स कर लिया था। अब इसे लगाने का तरीका मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर आपके पास कोई अच्छा सा जार है, ये भी मैंने खाली था मॉइस्चराइजिंग क्रीम वाला, तो इसे इस जार को मैंने धो के रात को रख दिया था, ड्राई हो गया था। अब मैंने कहा था कि इसमें क्रीम बनाऊंगी तो फिर मैं ये इसमें ऐड करूंगी जी। मैं सारी क्रीम इसमें ऐड कर रही हूँ, पिंक पिंक सा टेक्सचर है क्रीम का, बहुत अच्छी क्रीम रेडी हुई है हमारी, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बड़े छोटे बूढ़े बच्चे सब लगाएं,
स्किन आपकी ब्लैक नहीं होगी, ठीक है। आप ये लगाएं और धूप में 2 से 3 घंटे बैठे रहें, स्किन आपकी ब्लैक नहीं होने वाली, ये मैं गारंटी देती हूँ आपकी। और सॉफ्ट स्किन होगी। और जी नाइट में मैं ये लगा लेती हूँ और सुबह उठ के फेस वॉश करती हूँ, मेरी बेटी भी लगाती है, मैं भी लगाती हूँ, मेरा छोटा बेटा है 8 महीने का, वो भी लगाता है, कोई मसला नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाथ मुंह पे जब बच्चे नहलाते हैं हम, उनको भी नहलाने के बाद आप लगा सकते हैं, हाथ पाँव पे मुंह पर कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। मैं अभी आपको हाथ पर लगा कर दिखा रही हूँ कैसे स्किन में बहुत जल्दी जज्ब हो जाएगी और हमारी स्किन शाइनिंग भी करेगी। स्किन डल हो जाती है, ड्राई हो जाती है, होंठों पर भी लगाएं, होंठ भी फटे फटे से होते हैं सर्दियों में, ये सब चीज़ों का हल है। आप ये एक दफ़ा बना के रख लें क्रीम और इसे आप आराम से पूरा 1.5-2 महीने यूज़ करें, स्किन पर देखें बिल्कुल कोई क्रैक्स नहीं है, कोई फाइन लाइंस नहीं है, वो भी ख़त्म करेगी रिंकल्स। मैं आपको कह रही हूँ ना कि बड़े छोटे सब लगाएं, लड़के लड़कियाँ सब लगाएं, स्किन आपकी ब्लैक नहीं होगी। मैं आपको सही बताऊँ, मैं इस क्रीम के बगैर ना रह सकती हूँ ना चल सकती हूँ, बहुत अच्छी क्रीम है। मेकअप से पहले भी मैं इस क्रीम को यूज़ करती हूँ और विंटर सीज़न है तो आप लोग अभी सामान लेकर आएँ और अभी से ही ये क्रीम बनाएं और रात को इस्तेमाल करें, ठीक है जी। आप कमेंट में इसका रिजल्ट मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, कैसी लगी आपको ये क्रीम यूज़ करके। तो जी कल की वीडियो में फिर आऊँगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करते हुए जाना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।